गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नाइन, आपको न्यूट्रॉन बता दिया गया था लास्ट वीडियो में. नेक्स्ट है, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट. जो ऑर्बिट बोर ने बताए थे उसमें आप इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे. तो सबसे पहले फिर आपको रिकॉल करवाते हैं डायग्राम में. ये है आपका डायग्राम. मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे, मतलब अंदर से बाहर की तरफ. आप कैसे डालेंगे, कैसे इनको देंगे, वो आपको जानना है. लेकिन डायग्राम आपका ये होगा, न्यूक्लियस, फिर उसके बाद फर्स्ट सेल, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, अब आइए. फर्स्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय वन फॉर्मूला. मतलब सबसे ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो एक फॉर्मूला है. उस फॉर्मूले को जाने, फॉर्मूला है 2n2. तो फॉर्मूला है आपका 2n2. यहाँ पर n क्या है, ऑर्बिट है. फर्स्ट ऑर्बिट तो 1 आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट 2 आ जाएगा, और सेवंथ ऑर्बिट तो 7 आ जाएगा. इट इज क्लियर. ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो आपको बताएगा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे. जैसे के ऑर्बिट है तो के का मतलब फर्स्ट, तो 1 स्क्वायर तो 2 इलेक्ट्रॉन. सेकंड है एल, एल का मतलब दूसरा, 2 स्क्वायर, 4, 4 2 जा 8. तीसरा 3, 3 जा 9, 9 2 जा 18. 4, 4 जा 16, 16 2 जा 32. ये आपको फॉर्मूला बताएगा ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दूसरा आपका कोई भी सेल कब आपका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन में. 8 इलेक्ट्रॉन उसका क्या होगी, एक पावर सी होगी कि 8 इलेक्ट्रॉन में वो सेटिस्फेक्शन लेगा. नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड. पहले आपकी इनर सेल भरेंगी, पहले फर्स्ट इनर सेल भरेगी, सेकंड इनर सेल भरेगी, थर्ड इनर सेल भरेगी. ऐसे नहीं होगा कि लास्ट में आपकी होगी, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ठीक है, जैसे आपको सोडियम क्लोराइड वाले में एग्जांपल में बताया था, पहले 2, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट. यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखे हैं, दिस इज द एच, एच फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन केस है जिसमें 1 है. इसी तरह बोरोन, बोरोन में 5 है. तो बेटा याद रखना, ये न्यूक्लियस है तो 5 हुए 2 और 3, तो 2 पहले आ गए फिर 3 आ गए. इसी तरह ये आपको सब दे रखे. आपको ये तब आएंगे जब आपको इनका एटॉमिक नंबर आएगा. यदि आपको इनका एटॉमिक नंबर नहीं आएगा तो आप इन्हें नहीं कर पाएंगे. जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 होता है, 2, 8, 1. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तब भरेंगे इलेक्ट्रॉन के उसके अकॉर्डिंग. फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वैलेंसी. अब वैलेंसी क्या होती है, द आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये कहलाती है आपकी वैलेंसी. ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, अंडरलाइन कर लीजिए. वैलेंसी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल. ठीक है, अब आ जाइए टेबल 4.1. सब बच्चों को आनी चाहिए. सबसे पहले तो ये आपके एलिमेंट्स हैं, 18 तक दे रखे हैं. ये इनके सिंबल हैं, सिंबल का आपको आने चाहिए बेटा, ये आपको लर्न करने हैं. ये इनका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन नंबर, जो आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन, आपके प्रोटॉन नंबर बताता है कि पेरियोडिक टेबल में आपका एलिमेंट किस स्पेस पर है. ये उसमें उपस्थित उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है. हाइड्रोजन आपका एक एक्सेप्शन केस है, इसलिए इसको कुछ नहीं. सेकेंड है हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो के में कितना जाएगा, 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2. तो ये है आपका, आप ये आपको याद करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बिकॉज इट इज अ मास नंबर. ये इसके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है जो आपके उसमें मूवमेंट करेंगे. इलेक्ट्रॉन इज द सेम ऑफ द एटॉमिक नंबर, आप देख लीजिए. आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, सोडियम के 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, टोटल होता है इसका 23. तो सोडियम का मास कितना होता है, 23. अब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है,
तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11, 281। तो अब यहाँ पर वैलेंसी क्या हो गई, 1। अब 1 में या तो 7 चाहिए या ये 1 करेगा, तो 7 आपके ज्यादा हो जाते हैं। एक जस्ट एग्जांपल आप ये देख लीजिए, दिस वन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन है 15, 285। वैलेंसी इसके 5 भी शो करता है, 3 भी शो करता है। 5 क्यों, क्योंकि ये ऑल इसका आउटर शेल इलेक्ट्रॉन में 5 है, और यदि इसको कोई 3 दे दे तो ये 8 हो जाए, तो 3 और 5, इसका मतलब फॉस्फोरस आपकी वेरिएबल शो ऑफ करता है। ठीक है, ये आपका पूरा वैलेंसी है। वैलेंसी की सेकंड डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की के एटम की आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है, आपकी वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी को आप ऑक्टेट करने के लिए उसको फिल कितना करना पड़ता है, 8 में। और ये आपको एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का मैंने लास्ट चैप्टर में समझा दिया था। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर, और ये है फिर उसके बाद है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। आपको जो दिया गया है, आज जो समझाया गया है, आप उसे ध्यान से समझिए।